सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। क्या नाम है आपका और क्या घटना हो गई है? उदयवीर नाम है जी मेरा। हम सुरेश के ससुराल गए थे भाभी को लेने। वो 7-8 महीने से करीब आ नहीं रही घर पे। बच्चे रह रहे हैं तो क्योंकि खेती बाड़ी का काम चल रहा है, वो किसान आदमी है तो किसानी करें या बच्चे सुबह से जाते हैं स्कूल के लिए, वो उनको रोटी बनानी पड़ती तो इससे तंग आके वो कह रहे चलो आज भाभी को लेके जाते हैं। तो मैं उनके साथ चला गया और मुझे आना था यहाँ, क्या नाम है शहर है, नाम भूल गया, वुहान। तो मुझे आज वुहान लिए आना था तो मैंने उनसे पूछा कितने टाइम तक वापस आ जाएंगे, तो कह रहे 10-11 बजे तक आ जाएंगे। मैंने चलो चलता हूँ। तो हम दोनों वहाँ पहुँचे, जब घर में गए तो मुझे कुछ 2 मिनट बाहर ही बाइक खड़ी करने में लेट हो गया। तब अंदर पहुँचा तो इनकी गाली गलौज हो रही, सुरेश की और उसकी सास की। तो ये गाली गलौज सुन के उनका बुढ़ा ढालचंद वो भी आ गया ससुर, और वो कह रहा सारे को मारो पीटो इसे। तो ये गाली गलौज की बात सुन के गाली दोनों ही लोग दे रहे थे दोनों तरफ से, तो गांव वाले भी आ गए। तो गांव वाले आने के बाद वो मारने पीटने लग गए। ढालचंद ने बोला कि मारो सारे को, तो मारने लगे। अब उनको बीच बेचारा पाड़ने के लिए झंझट छुड़ाने के लिए भाई अलग अलग हो, तो मुझे भी मार पड़ी। तो मैं भाग निकला बीच से, मुझे मिल गया गेट बाहर का। तो मैं बाहर के गेट से भागा जिस रास्ते से गांव गए थे उसी तरफ को, और सुरेश भागा ऊपर को छत पे को। तो ऊपर छत पे गए तो ये 3-4 लोग पीछे से ऊपर चढ़ते चले गए, क्योंकि ये मैंने नहीं देखा। तब तक मैं आया इस कोने पे, तब ऊपर लड़ते हुए मारते हुए दिखाई दिए मुझे। और ये कह रहा कि वो बुढ़ा ढालचंद तेरा साले को आज फेंक दो नीचे, मर जाए इसका झंझट ही खत्म हो। फिर क्या हुआ? और मेरे हाथ पांव जोड़ने पर मैंने उनको मना किया, लेकिन वो लोग नहीं माने और उन्होंने नीचे फेंक दिया। क्या मौत हो गई है? हाँ जी मौत हो गई, मौके पे ही मौत हो गई। मौके पे मौत नहीं हुई, हम यहाँ अस्पताल लाए मेडिकल यहाँ रात, यहाँ से रेफर कर दिया झांसी के लिए। झांसी जा रहे थे तो रास्ते में उनकी पूछ पहुंचे, पूछ जगह पड़ती है ना यहाँ से जाते हैं, तो वहाँ पर मौत हो गई। क्या हुआ? कोतवाली में तहरीर दी आपने? नहीं अभी नहीं दिए, और सूचना दे दी है उसमें जरिया थाने में। वो दरोगा जी कह रहे थे सुबह आना, फोन कर दिया, वो कह रहे थे सुबह आना, लिख तहरीर जो भी है हम कार्रवाई करेंगे। कितने लोग थे मानने में? करीब 8 लोग थे, सब मिला के 8 लोग थे। 3 तो घर के ही थे, सास ससुर छविलाल, और 5 लोग करीब गांव के। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। क्या घटना हो गई है आज? भैया और हमारे मौसी का लड़का भाभी को लेने गए थे, वहाँ पर मारपीट हो गई है। बताने पर हमें ये पता चला कि उनको छत से फेंक दिया गया है। तब हम यहाँ पे आए, रेफर किया झांसी के लिए, बीच में रास्ते में मौत हो गई। आपको कैसी सूचना मिली भैया? मोबाइल के द्वारा फोन किया था, जो साथ में गए थे। हाँ। क्या भैया की घटना है? ये घटना है 9:30 बजे है। आपको 9:30 बजे सूचना मिल गई थी? किस गांव का मामला? हटगांव। घटना कहाँ हुई है? अच्छा अभी आपने किसी प्रकार की पुलिस में शिकायत की है? अभी तक नहीं। क्या करना चाहते हैं? क्या आरोप है आपका? आरोप यही कि ने फेंका है, FIR दर्ज करवाएंगे। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।